वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी आवाज जानी चाहिए। देश के सभी राष्ट्रवादियों का हौसला बुलंद होना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, झंडा उठाइए और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिंह जी, सभापति विधान बिहार विधानसभा अवधेश नारायण सिंह जी, यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सबके साथ मिलकर संजय भाई की पूरी टीम के साथ मेहनत की है। ऐसे नित्यानंद राय जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, राधा मोहन बाबू जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित रामकृपाल यादव जी, सभी सांसदगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण और आज लाखों लाखों की संख्या में यहाँ आए हुए वीर कुंवर सिंह जी की जन्मभूमि के, उनके बलिदान भूमि के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, एक कार्यक्रम के लिए जब उससे बिहार यूनिट ने और नित्यानंद जी ने समय लिया, तब मेरे मन में ऐसी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा हजारों लोग तिरंगा लेकर इस भूमि पर राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे। मैंने तो हाँ बोला, भाई चलो मैं आऊंगा, मगर मैं हेलीकॉप्टर से नजारा देख कर आया हूं। तीनों और पांच पांच किलोमीटर तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। तिरंगे तिरंगे जितने लोग आज हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक, हमारे जान से प्यारा एक तिरंगा लेकर एक 3 लाख फुट के पंडाल के अंदर उपस्थित है, उससे ज्यादा लोग आज रोड पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। माताओं भाइयों बहनों, आज हम सब यहां पर बाबू कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया और ये निर्णय के 3 पहलू थे। इसमें सबसे बड़ा पहलू था कि हमारी आजादी के लिए जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया है, उनको युवा पीढ़ी की स्मृति में फिर से जीवंत कर उनको श्रद्धांजलि देना। और मैं आज बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज इतिहास ने तो
कौन सिंह के साथ अन्याय किया, उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके बलिदान के अनुरूप इतिहास में इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया। मगर आज बिहार की जनता ने पवक पावड़े पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, 58 साल हो गए, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, रैलियों में गया हूं, मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है वो देखकर मैं 60-80 में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं किया। कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिला की धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारा जो एक क्षेत्र है विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताल का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था, यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय महान कवि शैलेंद्र इंद्रेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात मित्रों, जय प्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही। मित्रों, आज जब